नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं आपको होस्ट रोहित अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आने वाला हूं। आज हम लोग आए हैं दिल्ली में फॉर द लॉन्च ऑफ द ऑल न्यू हुंडई अल्काज़ार। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे हुंडई अल्काज़ार है। यहाँ पे भी जो है सारे अपने मीडिया के दोस्त है जो कि इस पर्टिकुलर कार को कवर कर रहे हैं। अब हम लोग आपको इस पर्टिकुलर कार के बारे में सारे डिटेल्स देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर लॉन्च के बारे में, इसकी जो प्राइसिंग क्या है, लुक्स क्या है, न्यू फीचर्स क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका जो फ्रंट का लुक वो दिखा देते हैं। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है द ऑल न्यू अल्काज़ार। अगर आप देखते हो, फर्स्ट यहाँ पे आपको जो है एलईडी डीआरएल्स मिल जाता है, हेड शेप्ड एलईडी डीआरएल्स है, कनेक्टेड मिलती है आपको। तो ये जो है पैनोरामिक जो व्यू है बहुत ही अच्छा आता है इसका। न्यू ग्रिल मिल जाती है आपको इसके अंदर जो कि डार्क क्रोम में दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी दिखती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप भी मिल जाता है। नीचे अगर आप देखोगे तो इसके जो बम्पर है उसके ऊपर आपको स्किड प्लेट्स मिल जाते हैं, डुअल टोन बम्पर दिया गया है, उससे भी जो लुक है काफ़ी अच्छी आती है। फ्रंट में आपको जो है रेडार के जो है सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखते हो, अडास के जो सेंसर्स है वो आपको यहाँ पे ऊपर मिलते हैं। अगर आप इसकी जो पूरी बोनेट देखोगे, बोनेट जो हुड लाइन है पूरी प्रकार से चेंज हो चुकी है। पहले अलग आया करती थी, अब इसके अंदर आपको अच्छे क्रीज लाइंस दिए गए हैं, तो इसका जो लुक है और भी ज़्यादा स्पोर्टी हो चुका है। अगर आप फ्रंट से अगर इसकी बात करते हो तो अल्काज़ार के अंदर जो है आपको अडास लेवल 2 मिलता है, जिसके साथ में अगर आप देखोगे तो आपको 19 अडास के जो फीचर्स मिल जाते हैं। उसके जो रेडार आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो अडास का जो है रेडार यहाँ पे मिल जाएगा, एंड अडास का जो कैमरा है वो आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाता है। दोस्तों, अब आप इसका साइड का जो लुक है वो देख सकते हो, काफ़ी ह्यूज एंड वाइड जो है आपको अल्काज़ार मिलने वाली है। इस पर्टिकुलर वाइट एंड डुअल टोन में बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब दिख रही है। इसके अंदर जो है मेजर जो है आप इसके अंदर देख सकते हो, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको, डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। टायर साइज की बात की जाए तो 215/55R18। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फुल ब्लैक कलर की जो व्हील आर्च है, क्योंकि पूरी कार के एंड तक जाती है, तो कुछ इस प्रकार का लुक दिया गया है। लुक्स रियली गुड। इसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है, साइड एंड एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, बाकी जो डुअल टोन ऑप्शन है तो वो कुछ बरकरार रखा गया है लुक। अगर आप इसके जो डोर हैंडल से वो देखोगे तो आपको जो है वाइट एंड जो क्रोम है वो डिज़ाइन फिनिश में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट्स दिए गए हैं, जिससे इसकी जो लुक है साइड से बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्लैक कलर का ही लुक कंटिन्यू किया गया है। अगर क्रेटा में देखते तो आपको दूसरे कलर का, मतलब सिल्वर कलर का कुछ आता था, तो अभी ये एक थोड़ा ब्लैक कलर का ही ये पिलर जो है लुक में दिया गया है। ऊपर आपको जो है रूफ रेल्स दिए गए हैं, उससे भी जो है इसका साइड का लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो रहा है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, आपको क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है, तो कुछ इस प्रकार का इसका लुक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है फ्यूल लिड मिल जाता है। अब आपको जो है इसकी रेयर की लुक दिखा देते हैं। अब दोस्तों, आप अल्काज़ार का रेयर का लुक देख सकते हो। इसके अंदर जो मेजर चीज़ जो चेंज हुई है वो है इसके टेल लैंप्स। आप देख सकते हो आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं। अल्काज़ार के आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिख जाएगी, हुंडई की ब्रांडिंग दिख जाती है, टर्बो की ब्रांडिंग मिलने वाली है आपको यहाँ पे, एंड सिग्नेचर ये जो वेरिएंट ब्रांडिंग वो दिख जाती है। हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है आपको, वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों भी चीज़ें मिल जाती है। पर देन अगर आप पीछे से देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी हो चुकी है। बम्पर आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो है आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डुअल एग्जॉस्ट टिप्स मिल जाते हैं आपको, सो ऑब्वियसली ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी हो चुकी है। ऑब्वियसली एक स्पोर्टी कार है इसका। बम्पर देख सकते हो, आपको जो है 4 रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन एलिमेंट कुछ अलग से ऐड ऑन किया गया है। डुअल एग्जॉस्ट टिप्स मिल जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक एनहांस कर रही है इस पर्टिकुलर कार की। तो पीछे से अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का इसका बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा सा लुक मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका बूट स्पेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। आप आराम से आपके जो है 2 डफल बैग्स वगैरह कुछ रखे जा सकते हो। अगर आपको वो नहीं लेके जाना है तो आप इसको पूरी तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो। तो 50-50 फोल्ड सीट्स मिल जाती हैं आपको, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको फोल्ड कर सकते हो। अब आप इसका डोर पैड देख सकते हो, आपको डुअल टोन में डोर पैड दिया गया है। जैसे कि आपको जैसे इंटीरियर्स मिलता है उसी प्रकार का आपको डुअल टोन में यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेमोरी फंक्शन, सीट के मेमोरी फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके स्विचेस दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है आपको इसके अंदर, 4 डोर पावर विंडोज मिल जाता है, लॉक अनलॉक स्विच मिल जाएगा, वॉल्यूम के आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बोस के म्यूजिक सिस्टम्स मिलते हैं, एंड ऑब्वियसली ये स्पीकर्स आपको दिए गए हैं, स्पीकर एंड ट्विटर, 8 स्पीकर सिस्टम मिलता है इसके अंदर। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, मैप पॉकेट मिल जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का जो है इसका इंटीरियर्स हो चुका है। दोस्तों, अब आप इस कार का इंटीरियर्स देख सकते हो।
बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर्स मिल जाता है आपको डोल टोन में, कॉफी कलर और आपको जो टैंग कॉफी कलर बोल सकते हैं आप, और ब्लैक कलर का मिल जाता है। यहाँ पे आपको 10.25 इंच की म्यूजिक सिस्टम मिल जाती है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, एंड 10.25 इंच का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है। अगर आप इसको फर्स्ट जैसे ही देखोगे आपको डेफिनेटली क्रेटा की याद आने वाली है। वैसे ही कुछ आपको इसके अंदर जो है इंटीरियर्स दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको जो है 6 एयरबैग्स मिलने वाले हैं। इसके अंदर जो है अभी आप देख सकते हो यहाँ पे DCT गेयरबॉक्स दिया गया है। एंड एक और एक अच्छी बात है, इसके अंदर आपको ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन मोड्स भी मिल जाते हैं, सो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाता है, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है आपको। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, सो दैट इज ऑल्सो इज देयर। एंड देन अगर आप देखते हो तो आपको जो है पार्किंग कैमरा भी दिख जाता है, तो ये भी सारे जो है फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो होल्ड का फीचर मिलता है एंड दिस पर्टिकुलर बटन इज़ फॉर पार्किंग ब्रेक। तो ये सारे कुछ आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं सेंट्रल कंसोल के अंदर अगर आप देखते हो तो। ऊपर यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑटो क्रोमेटिक IR भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है सनग्लास होल्डर मिल जाता है, लाइट्स दी गई है, सनरूफ के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टिकट होल्डर मिल जाएगा एंड यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हो अंदर काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि आपको कूल्ड मिलता है, तो दैट इज़ रियली गुड। अब इसके मेन जो है स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आ जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा जो कि फ्लैट बॉटम बटरफ्लाई स्टेयरिंग व्हील है। आपको हुंडई की ब्रांडिंग दिख जाएगी इसके अंदर। पैडल शिफ्टर के साथ में आता है, दैट इज़ वेरी गुड। ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल्स मिल जाता है एज वेल एज क्रूज कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ड्राइवर साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक होल्डर या मैग्नेटिक पैड मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का बटन मिल जाता है एंड हेडलाइट लेवलिंग स्विच, तो ये कुछ प्रकार का यहाँ पे मिलेगा आपको। बाकी अगर आप डोर पैनल्स या डोर पैड्स देखते हो वो भी आपको डुअल टोन में दिए गए हैं। बोस की म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर मिल जाती है आपको, 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम दिए गए हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट्स आप बोल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको ड्राइवर मेमोरी सीट फंक्शंस के साथ में मिल जाता है, तो ड्राइवर मेमोरी सीट फंक्शंस मिलता है आपको यहाँ पे। उसके साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती है दोनों भी, को पैसेंजर एज वेल एज ड्राइवर सीट्स। अगर आप देखते हो यहाँ पे आपको बॉस बोर्ड भी मिल जाता है, तो कुछ इस प्रकार की ये सीट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप पीछे बैठते हो तो बॉस मोड मिलता है, आप आराम से बैठ के इस पर्टिकुलर सीट को भी आगे पीछे कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर ऐड ऑन किया गया है। अब पीछे का डोर का जो पैनल है उसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर आपको जो है डुअल टोन डिज़ाइन एंड फिनिश मिलने वाली है। यहाँ पे एक डिटेल है जो कि काफ़ी अच्छी मिलती है, वो आपको यहाँ पे आइए दिखा देता हूँ। ये जो है आपको ऑब्वियसली ये जो है पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, पर उसके साथ में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो है वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, तो आपको जो है पीछे की भी जो सीट्स है कैप्टन सीट्स वो भी आपको वेंटिलेटेड मिलने वाली है, तो वो एक बहुत ही अच्छा बढ़िया सारा फीचर मिल जाता है इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली बोस म्यूजिक सिस्टम है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइवेसी ब्लाइंड्स भी आपको जो है मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके सेकेंड रो ऑफ सीट्स में आके बैठ चुके हैं। कैप्टन सीट्स है ये, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलने वाली हैं आपको बैठने के लिए। एक हाइलाइटिंग फीचर जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको जो है एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट मिल जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छा फीचर इन सीट्स के बारे में है वो है वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, तो फ्रंट टू तो है ही, साथ में ये जो बैक टू है, ये जो मिडिल रो जो है वो भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में मिलने वाली है। और अगर आप इसके जो है हेडरेस देखते हो, आपको विंग टाइप हेडरेस मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है आपको लॉन्ग राइड्स के लिए। यहाँ पे आपको जो है वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, तो ये एक फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है जो कि आगे के साथ में पीछे भी आपको जो है वायरलेस चार्जिंग दे रहा है। टाइप सी के जो है चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं आपको एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स मिलती है। ऑब्वियसली कैप्टन सीट्स है, तो उसके हिसाब से जो है बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे सेटअप मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको IT होल्डर मिल जाता है, तो जिनको अपने लैपटॉप्स वगैरह पे काम करना है वो इस पर्टिकुलर टेबल को खोल के कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पेन होल्डर मिल जाता है, साथ ही साथ आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का जो है आपको ये IT स्टेशन डेस्क भी मिल जाता है इसके अंदर। तो प्रॉपर जो है एक IT पीपल मान लो या एक बिजनेस पर्सन मान लो उनके लिए गाड़ी आपको मिल जाएगी। अब आप इसकी जो रेयर की सीट है वो देख सकते हो, दिस इज़ बेस्ट सूटर फॉर किड्स या जिनकी हाइट थोड़ी 5.5 से कम है उनके लिए बढ़िया मिल जाती है आपको। यहाँ पे आपको जो है रेयर AC वेंट्स मिल जाते हैं, AC का कंट्रोल जो है आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसके जो इंजन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर कार के अंदर अब आपको सिर्फ दो ही इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं, एक है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और एक है 1.5 लीटर डीजल। तो ये दो इंजन ऑप्शन से मिलते हैं। 2 लीटर जो पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटर आता था वो अब बंद हो चुका है, अब नाउ यू गेट ओनली द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। अब इसके कलर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको 8 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर 7 मोनोटोन कलर्स और ये एक डुअल टोन कलर आपको मिल जाता है। दोस्तों अब हमने इसके इंजन के बारे में बात कर ली है, अब इसके गियर ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको मैनुअल मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है एंड 7 DCT गियर बॉक्स मिल जाता है।
दोस्तों अब इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि इसकी जो प्राइस है पुरानी अल्काज़ार से अब 1,30,000 रुपीस तक कमी हो चुकी है। तो इसकी जो प्राइसिंग है शुरुआत होती है 14.99 लाख रुपीस से, जिसके अंदर आपको पेट्रोल के साथ में मिल जाएगी। अगर आप डीजल के साथ में लेना चाहोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा 15.99 लाख रुपीस। तो 14.99 लाख पेट्रोल, 15.99 लाख डीजल। तो जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल 48 ऑटोमोबाइल्स। आगे आपको ऐसे ही और अच्छे कंटेंट्स लेके आके देते रहेंगे, तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।